हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रेषिता शो। आज बात करते हैं आपकी 8th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, आपकी प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता। इस हफ्ते तक या तो आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन हो चुका होगा, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते में आपके डॉक्टर आपसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहें। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे, क्या क्या होता है अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है आपका जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो। तो अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 8वें हफ्ते में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको फील होते हैं, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको अपने डाइट में लेनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं आपकी 8th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, आपकी गर्भावस्था का 8वां हफ्ता। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन इस टाइम पे जो सफ़र कर रही होती है वो उसमें बॉडी में सबसे ज़्यादा चेंजेस फील कर रहे होते हो आप। तो क्या क्या चीज़ें हैं, अब जितने भी सिम्टम्स की मैं यहाँ पे बात करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपके साथ में हो रहा हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में हो सकती है, कई बार कुछ सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, और कई बार ये सारे सिम्टम्स बॉडी में होते हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस इस टाइम तक लगनी स्टार्ट हो गई होगी। हो सकता है कि पहले जो आप ब्रा पहन रहे थे वो भी आपको टाइट फील हो रही हो, आप ब्रा कंफर्टेबली नहीं पहन रहे हो, तो इस टाइम पे आपके ब्रेस्ट साइज़ का बड़ा होना नॉर्मल है, आपके ब्रेस्ट का हैवी फील होना नॉर्मल है। अब उसमें कई लोग क्या करते हैं कि जब आप घर पे होते हो तो आप ब्रा वगैरह इस टाइम पे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ब्रेस्ट का साइज़ आपका बढ़ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो अपने ब्रेस्ट के साइज़ के हिसाब से इस टाइम पे आप ब्रा ले लीजिए। एक साइज़ बड़ा भी ले सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहे, बट ब्रा आपको डेफिनेटली इस टाइम पर पहननी है, क्योंकि होता क्या है कि इस टाइम पर अपने कम्फर्ट के हिसाब से हम ब्रा वगैरह वेयर नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद मतलब जैसे जैसे 9 महीने आपके होते हैं तब तक आपके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा लटक जाते हैं, और वो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको अभी से एडवाइज़ कर रही हूँ कि आपका ब्रेस्ट का बड़ा होना, ब्रेस्ट का हैवी होना नॉर्मल है, बट ब्रा पहनिए और राइट साइज़ का ब्रा पहनिए। हो सकता है पूरे प्रेगनेंसी में आपको 2 से 3 साइज़ के ब्रा भी लेने पड़े, तो लीजिए, ज़रूरी है आपके लिए, बट ब्रा पूरे 9 महीने कोशिश कीजिए कि आप पहनिए। रात को उतार सकते हैं बट पूरा दिन कोशिश कीजिए कि आप पहनिए। तो ब्रेस्ट में आपको चेंजेस लग सकते हैं। उसके अलावा क्या चेंजेस लग सकते हैं बॉडी में, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो HCG हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो बॉडी में आपको यूरिन पास करने के लिए आपको अर्ज होती है बार बार, आपको बार बार लगता है कि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए, तो वो भी नॉर्मल है। अब साथ ही साथ यहाँ कुछ लोग ये भी करते हैं कि पानी नहीं पीते हैं, कि हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। पानी पूरी प्रेगनेंसी में, जैसे आपकी डाइट का आपको ध्यान रखना है, हर 2 घंटे में आपको खाना खाना होता है, तो पानी भी रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, बट पानी पीते रहिए, और बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है तो नॉर्मल है, जाइए, बट पानी इस टाइम पर आप पीते रहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। और क्या चीज़ होती है इस टाइम पे, मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नॉर्मल है, आपको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम फील हो सकता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम पूरा दिन फील होता रहता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब कुछ लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि एकदम वॉमिट हो रही है या कुछ पर्टिकुलर स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है, आप खाना छोड़ देते हो। प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको पूरा दिन भी अगर वॉमिट की फील लग रही है, या आपको वॉमिट हो भी रहा है, तो भी आपको खाना खाते रहना है। आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, आपने खाना खाया आपको फिर से वॉमिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप फिर से खाना खाइए। बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में इस टाइम पे खाना आप खाते रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। तो मील बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, हर 2 से 3 घंटे में कुछ कुछ खाते रहना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेना है, और साथ ही साथ बीच बीच में थोड़े थोड़े स्नैक लेते रहना है। हेल्दी स्नैक लीजिए, वॉमिटिंग हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से बात करके मेडिसिन या इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करा सकते हैं, बट खाना इस टाइम पर आपको खाते रहना है। और जो कुछ चीज़ें फील होती है वो है क्रैम्प्स वगैरह पड़ना, आपको पेट के नीचे के साइड पे हल्का पेन हो सकता है, कभी कभी पेन हो सकता है,
बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कभी भी स्ट्रेस फील हो सकता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कभी भी थका हुआ सा फील हो सकता है, कभी भी बीमार सा फील हो सकता है, आपको कभी भी लग सकता है आपको आप रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब भी ऐसा लग रहा है आप रेस्ट कीजिए, जब भी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, चाहे आप 10-15 मिनट के लिए सही, बट उस टाइम पर रेस्ट कर लीजिए। एकदम से अपने आप को बॉडी को प्रेशर दे के काम नहीं कीजिए। जब भी लग रहा है रेस्ट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ रेस्ट कीजिए, थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को, जो आपको हैप्पी करती हैं, जो आपको स्ट्रेस से रिलीफ देती हैं। प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। तो ये बॉडी चेंजेस जो है आपके साथ में होते हैं, बट इनके साथ साथ अपने आप को कंफर्टेबल करके चलना है। इन बॉडी चेंजेस जितने भी हो रहे हैं उनके साथ साथ में खाना खाते रहना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना है। तो अब बात करते हैं आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस टाइम पे, क्योंकि होता क्या है कि 7वें या 8वें हफ्ते में आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। तो इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, वैसे तो हमेशा जब प्रेगनेंसी होती है तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही जाते हैं, जो भी डॉक्टर के आपके रेगुलर विजिट्स रहते हैं, बट कई बार आपके पार्टनर को हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो नहीं जा पा रहे हो, या कोई और आपके साथ जा रहा हो डॉक्टर की रेगुलर विजिट्स के लिए। बट अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हस्बैंड वाइफ, जो भी मम्मी पापा बनने वाले, वो दोनों इस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कोशिश कीजिए कि पूरे 9 महीने में जितने भी अल्ट्रासाउंड हो सब में जाएँ। बट ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा तब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं होगी, बट फिर भी जो आपका अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि ये आपका बेबी है। तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम पे, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ज़रूरी है कि आप दोनों साथ में रहें। उसके अलावा इस टाइम पे आप बेबी की हार्ट बीट भी सुन सकते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो कोशिश करें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में दोनों साथ में जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड अच्छे से करवाएं और बेबी की हार्ट बीट सुने, बेबी को देखें, और कोशिश करें कि नोट भी कर लें कि कब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था, ताकि आगे जाके, जैसे मैं कहती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम पे एक प्रेगनेंसी जर्नल ले लें जिसमें एक छोटी चीज़ को आप नोट करते रहें, तो जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जब काफ़ी टाइम बीत जाएगा, फिर जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप मिस ना करें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है आपकी डाइट। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के लिए, आपके बेबी की हेल्थ के लिए। तो घर का बना हुआ खाना खाइए जितना मैक्सिमम हो सकता है। क्रेविंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभी हफ्ते में एक बार बाहर का खा सकते हैं। कोशिश कीजिए घर का ही खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, नॉन स्पाइसी फूड खाएं, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वाला फूड ना लें, उससे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत ज़्यादा फ्राइड लेने से होता क्या है कि प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैफीन वगैरह थोड़ा सा कम कर दें, चाय कॉफ़ी कम कर दें, चॉकलेट थोड़ा सा कम कर दें, चॉकलेट्स के भी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बट चॉकलेट से भी आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, तो थोड़ा सा कम रखें इन सब चीज़ों को। क्या चीज़ें हैं जो खानी है, वो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एक तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में हर 2 से 3 घंटे में खाना खाना ज़रूरी है, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बीच में जो टाइम होता है उसमें हेल्दी स्नैक ले लीजिए। दूध हो गया और ड्राई फ्रूट हो गया, जो भी स्नैक आप खाना चाहें, जो भी आपको पसंद हो, रोस्टेड पनीर हो गया, चीज़ से बना हुआ सैंडविच हो गया, कुछ भी, बट 2 से 3 घंटे में खाते रहिए, पानी पीते रहिए। अच्छा, उसके अलावा ज़रूरी है आपको लेना प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आप दालें लीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन लीजिए, एग लीजिए, बट प्रोटीन इस टाइम पे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोन्स वगैरह में काफ़ी पेन रहता है। तो प्रोटीन आप जितना लेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, उतनी अच्छी रहेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध लीजिए, दूध हो सके तो सुबह शाम लीजिए। आप दूध पीने का मन नहीं कर रहा है तो पनीर ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, आप दही लीजिए, बट पूरे दिन में डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए। फ्रेश सब्जियां लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे दिन में सब्जी ज़रूर खाइए, पूरे दिन में फ्रूट्स ज़रूर खाइए, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए। उसके अलावा दालें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दालें भी ज़रूर खाइए। उसके अलावा फाइबर रिच फूड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है फाइबर रिच फूड। तो फाइबर रिच फूड में आप
चपाती खाइए, आप राइस खाइए, आप ओट्स खाइए, आप दलिया खाइए, जितने भी फाइबर रिच फूड होते हैं, स्टार्ची फूड लीजिए जिसमें स्टार्च होता है, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया आपका, राइस हो गया आपका, साबुदाना हो गया, ये सब चीज़ों में स्टार्च काफ़ी होता है। स्टार्च क्या है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप एनर्जी बहुत जल्दी लूज़ करते हो अपनी, तो स्टार्ची फूड लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाइट में ज़रूर ऐड करना है, पूरे 9 महीने ऐड करके चलना है। और बाहर का खाना नहीं खाइए, मैंने आपको पहले भी कहा, पानी बराबर से पीते रहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। टिप्स की मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगी। टिप्स में जब भी आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, एक लाइट वॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे 10 ही मिनट के लिए वॉक करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन बहुत स्लो होता है। आप थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, उसके अलावा खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाइजेशन स्लो है, बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खा लेंगे तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे आपके डॉक्टर ने आपको कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर रिकमेंड किए होंगे, हो सकता है फॉलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, या जो भी आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं वो ज़रूर लीजिए। प्रेगनेंसी में आपको मेडिसिन खाने को मन नहीं करता है, बट कभी भी मेडिसिन स्किप नहीं करने हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। कई बार क्या होता है, मेडिसिन खाने के बाद में आपको वॉमिट फील होता है, या कई बार वॉमिट हो भी जाती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कई बार मेडिसिन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन का कुछ और अल्टरनेट दे देंगे, बट मेडिसिन स्किप नहीं कीजिए। मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट अपने डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर से पूछे कोई मेडिसिन नहीं लेना है। इनफैक्ट पैरासिटामोल भी नहीं लेना है, जो एक छोटा सा टैबलेट होता है, तो किसी भी तरीके का कोई टैबलेट नहीं लेना है। जब भी आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे सिर्फ वही लीजिए। थोड़ी सी आपकी शॉपिंग की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले आपसे बात किया कि प्रेगनेंसी जर्नल ले लीजिए, एक डायरी आती है प्रेगनेंसी की स्पेशली, और उसमें हर चीज़ अपने जितने भी मेमोरीज हैं, जितने भी आपकी आप चीज़ें उसमें लिखना चाहते हैं, जितने भी आपके स्पेशल मोमेंट्स हैं उसमें लिखिए, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा आपके लिए आगे जाके। उसके अलावा मैंने बात करी थी इस टाइम पे ब्रा वगैरह आपको टाइट हो सकते हैं वो ले लीजिए, इनर वेयर आपको टाइट हो सकते हैं, आपके पैंट्स वगैरह भी आपको कुछ टाइट फील हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको लूज कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा है, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।